जय सेवा, जय गुणवाना सगाजनों, सभी गुणवानावासियों का गुणवास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, गुंडी भाषा को किस प्रकार से सीखा जाता है इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों की राय है कि गुंडी भाषा को किस प्रकार से सिखाया जाता है और किस प्रकार से बोला जाता है और उसे दैनंदिन बोलचाल में किस प्रकार से उसे उपयोग में लाना पड़ता है, तो इसके बारे में सगाजनों आज हम डिस्कस करेंगे। तो सगाजनों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएँ। सगाजनों, चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं। सगाजनों, आज मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस है उसको चुना हूँ, ठीक है। दैनंदिन जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं हम उसे यानी वर्तमान काल में ही करते हैं, ओके, यानी कि साधारण वर्तमान काल में करते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैंने सगाजनों सेंटेंसेस लिया हूँ। तो सगाजनों, कोई भी लैंग्वेज में सबसे पहले यानी तीन शब्द बहुत ही मायने रखते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, जैसे कि यानी मैं, ओके। फिर बाद में मैं सगाजनों एक कार्य करना चाहता हूँ, यानी कि मैं कुछ खाने का कार्य करना चाहता हूँ, ठीक है। खाने का यानी क्या हो रहा है, सगाजनों एक ऑब्जेक्ट हो रहा, यानी कि मान लीजिए कोई एप्पल है, ओके, एप्पल मैं खाता हूँ, ओके। फिर सगाजनों ऑब्जेक्ट होने के बाद फिर सगाजनों वर्ब आता है, ठीक है। गुंडी लैंग्वेज में पहले क्या आता है, सगाजनों सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में वर्ब आता है, यानी कर्ता, कर्म, फिर उसके बाद क्रियापद, ओके। और इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आता है वर्ब, फिर उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो सगाजनों, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे कि यानी अना यानी मैं, ओके। अना यानी मैं, यानी मैं कुछ कार्य करना चाहता हूँ। अभी वो कार्य कौन सा है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अना अपिंदा तिंदा तोना, ओके। तो क्या कर रहा हूँ सगाजनों, मैं एक खाने का कार्य कर रहा हूँ, यानी इसका मतलब हो जाता है अना अपिंदा तिंदा तोना का मतलब हो जाता हूँ, मैं सफरचंद खाता हूँ, ओके। तो सगाजनों यहाँ पे हमारे क्रियापद की धातु क्या है सगाजनों, तीन, ओके। क्रियापद की धातु है तीन, तीन या तो तिंदा, ओके, तीन या तिंदा, इसका मतलब क्या होता है सगाजनों, खाना, ओके, खा। फिर उसके बाद में हम एक सहायककारी क्रियापद लेते हैं, जैसे कि मन तो ना, ओके। तो सगाजनों मन तो ना, ठीक है। अभी इसमें से मन जो हम इसको हटा देते, फिर उसके बाद में तोना प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है सगाजनों तिंदा तोना, यानी वर्ब क्या हो रहा है सगाजनों हमारा, तिंदा तोना। और ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, अपिंदा। और सब्जेक्ट क्या हमारे पास, अना। और सगाजनों अना को अलग अलग क्षेत्र में जैसे कि नना बोलते हैं, नना बोलते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। मगर सगाजनों अस्वर से हमारा अना सर्वनाम बनता है, ओके। पांडे पारी कुपार लिंगू बाबा ने इसकी रचना की है, जैसे कि डमरू की आवाज से निकलता है शब्द अड़ंग, अड़ंग इस प्रकार से निकलता है। तो अड़ंग से क्या बना है सगाजनों, अना। अना का मतलब क्या हो रहा, मैं, ओके। आपको सगाजनों इन्हीं शब्दों के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि हमारा एक बहुत ही यानी प्राचीन गुंडी ग्रामर है, इसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, जो हमारे यानी पांडे पुरारे कुपार लिंगू बाबा ने इसकी रचना की है। और सगाजनों हम उसी के अनुसार चल रहे हैं, आप लोगों का कर्तव्य है कि इसी के अनुसार चलिए। जो भी पुराने लोग हैं वो जैसे कि अना बोलते हैं या नना बोलते हैं, ठीक है, उन्हें बोलने दीजिए। जो भी अभी नई पीढ़ी वाले लोग हैं जिनको जिनके ऊपर यानी जिनको अभी आते ही नहीं, कुछ भी गुंडी ग्रामर आता नहीं है, तो गुंडी भाषा आता नहीं है, ठीक है, उनको यही शब्दों का चयन करना है, जैसे कि अना ही बोलना है, ओके। तो जैसे कि इंग्लिश में पढ़ लेते अभी इसे हम, आई ईट एन एप्पल, ओके। तो यानी मैं सफरचंद खाना चाहता हूँ, सफरचंद खाता हूँ, ओके। तो सगाजनों फर्स्ट पर्सन के लिए एक सेंटेंस हो गया था, अभी सगाजनों इसी में फर्स्ट पर्सन के लिए प्लूरल सेंटेंस देखेंगे हम। जैसे कि मैं बोलता हूँ अमोट, अमोट संतरंग तिंदा तुड़म, ओके। तो सगाजनों अमोट, अमोट क्या है सगाजनों, हमारे यहाँ पे करता है, ओके। फिर उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिया, कर्म क्या है हमारा, संतरंग, ओके। तो संतरे, संतरे का मतलब क्या आता है सगाजनों, संतरा, ओके। तो फिर इसके इसमें हमने ग प्रत्यय जोड़ा है, तो ये क्या हो रहा है सगाजनों हमारे पास, ऑरेंजेस यानी संतरे, ओके। तो इस प्रकार से, तो फिर उसके बाद में हम तिंदा, ओके, तिंदा यानी खा। तो फिर उसके बाद में हम तिंदा प्लस तोड़म यानी तिंदा तोड़म यानी खाते हैं, यानी अनेक क्वेश्चन में आपको ये शब्द का चेंज करना है। लास्ट में क्या जोड़ना है सगाजनों, तोड़म यानी तिंदा प्लस तोड़म यानी आमोट संतरे तिंदा तोड़म, इस प्रकार से। और जैसे कि हम बोलेंगे इसे, हम संतरे खाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आई इट ऑरेंजेस, ओके। तो इस प्रकार से सगाजनों आ स्वर से हमारा अमोट सर्वनाम बनता है, ओके। तो जैसे कि अलग अलग क्षेत्र में इसे मराठ बोलते हैं, मम्माड बोलते हैं, आमोट बोलते हैं, आमोट बोलते हैं, ओके।
माठ बोलते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। आपको क्या करना है सगा जनों, अपने जो शुद्ध गुंडी भाषा के अनुसार आपको इस शब्द का चयन करना है, कर्ता के अनुसार अमोट। ओके, आपको ये शब्द बोलना है। जैसे कि आ स्वर से निकलता है हमारा, जैसे कि आड़ंग, आड़ंग के बाद क्या आता है सगा जनों, आड़ंग। ओके, आड़ंग, आड़ंग से क्या बना है हमारा आ। ओके, अमोट, अमोट ये सर्वनाम बना है। ओके सगा जनों, विश्व की ये ऐसी पहली भाषा है जिसमें जो है पता है कर्ता और क्रियापद के अनुसार, जैसे कि कर्ता और क्रियापद के अनुसार इसके वाली रचना हुई है, बहुत ही जबरदस्त। ओके, यानी सर्वनाम के अनुसार इसकी रचना हुई है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं सगा जनों, जैसे कि अभी सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर में पढ़ते हैं अभी, इम्मा नेरुंडा नी तिंदा तो नी। ओके, तो इसका मतलब हो जाता है तुम अरंडी का तेल खाते हो। ओके, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम यू ईट कास्टर प्लांट ऑयल। ओके सगा जनों, अभी यहाँ पे देखिए कर्ता क्या है हमारा इम्मा। ओके, फिर उसके बाद में नेरुंडानी, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तिंदातुनी हमारा वर्ब है। ओके तो जैसे कि अभी ई स्वर से हमारा बनता है इम्मा। ओके, तो इसे कुछ कुछ क्षेत्रों में बोलते हैं इमा बोलते हैं, निम्मा बोलते हैं, जैसे कि निम बोलते हैं, निम्मे बोलते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। आपको क्या करना है सगा जनों, अपने मूल क्रिया मूल कर्ता के अनुसार ही चलना है। ओके, इम्मा, जैसे कि देखिए अभी इम्मा कैसे बना है, इड़ंग इड़ंग इस प्रकार से, जैसे अना, जैसे कि अड़ंग अड़ंग इड़ंग इस प्रकार से। तो क्या हो रहा सगा जनों, इड़ंग से क्या बना हमारा इम्मा। ओके, तो आपको इसी के अनुसार चलना चाहिए इम्मा। ओके, तो नेरुंडानी क्या हो रहा सगा जनों, हमारा कर्म, फिर उसके बाद में तिंदा तोनी। तो जैसे सगा जनों यहाँ पे देखिए अभी ई, ओके ई सोर से हमारा इम्मा बना है, उसी प्रकार से हमारे को क्रियापद में भी लास्ट में जो है मंतोनी। ओके, मंतोनी का हम मन निकाल देते, फिर उसके बाद में तोनी ये तिंदा को जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार से आपको नी जो है ना ये लास्ट में नी लगाना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सगा जनों, न प्लस ई, जिस प्रकार से कर्ता में आपको ई प्रत्यय लगता है, तो उसी प्रकार लास्ट में भी आपको छोटी ई की मात्रा लगाना है। ओके, छोटी ई की मात्रा लगाना है, छोटी ई यानी क्या बोलते हैं इसको, विलांटी। ओके, ई लगाना आपको। तो जैसे कि अभी फर्स्ट सेंटेंस में भी आपको अना, ओके इधर जो ना जो लगता है, तो उसे आपको लास्ट में भी ना ही लगाना है क्रियापद में, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट पढ़ते अभी अनेकवचनी सेंटेंस सेकंड पर्सन में, इमाट सकनारुंग तिंदा तो रेट। ओके, इमाट सकनारुंग तिंदा तो रेट, यानी इसको बोलते हैं गुंडी हिंदी भाषा में, तुम रताड़े खाते हो। ओके, या तो आले खाते हो, सगा जनों इसका मतलब पता नहीं मेरे को हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं सकनारुंग को, जैसे कि मराठी में बोलते हैं रताड़े। ओके, रतनाल इस प्रकार से, तो इसे गुंडी में बोलते हैं सकनारुंग। ओके सगा जनों, सकनारुंग हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, और इम्माट के हमारा एक कर्ता है यानी सर्वनाम है, फिर उसके बाद में तिंदातुल के हमारा एक वर्ब है। सगा जनों तिंदा यानी खा, फिर उसके बाद में हम तोरिट प्रत्यय जोड़ते हैं। तो सगा जो ने आप इमाट में देखिए अभी ट प्रत्यय जुड़ा है, सर्वनाम में ट प्रत्यय जुड़ा है, तो उसी प्रकार आपको क्रियापद में भी ट प्रत्यय जोड़ना है। ओके, तो यहाँ पे ट जुड़ेगा, तो इसी प्रकार आपको ट ही जोड़ना है, नहीं तो कोई कोई बोलता है तिंदाता तिंदातोनी इस प्रकार से बोलते हैं, तिंदातोन इस प्रकार से बोलते हैं, जो कि वो गलत है। ओके, तो आपको हमेशा अपने मूल मूल गुंडी भाषा के अनुसार ही चलना है। ओके, तो जैसे कि अभी थर्ड पर्सन में देखिए अभी सेंटेंस पढ़ते हैं, अभी सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और गाटो तिंदा तोड़। ओके, और गाटो तिंदा तोड़, यानी ओ सोर से क्या बना सगा जनों हमारा, जैसे कि ओड़ांग, ओड़ांग से क्या बना हमारा और सर्वनाम बना है। ओके, तो उसी प्रकार से आपको देखिए अभी तिंदा तिंदा प्लस मंतोर। ओके, मंतोर, तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए तोर जो है र र, ठीक है, उसी जिस प्रकार सर्वनाम में र जुड़ता है, उसी प्रकार लास्ट में भी आपको र लगाना है। ओके, यहाँ पर भी और प्रत्यय आ रहा है, त प्लस और। ओके, तो और प्लस तोर, ओके वह है, और गाठो तिंदा तोर, यानी वह भात खाता है। तो इस प्रकार से आपको तिंदा तो नहीं तिंदा तो हम इस प्रकार से नहीं लगाना है, आपको जिस प्रकार यहाँ पे सर्वनाम लगता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी वही प्रत्यय लगाना है। जैसे कि अभी नेक्स्ट पढ़ते अभी
दूर के व्यक्ति के लिए हमने ओर का चयन करते हैं और पास के व्यक्ति के लिए हम ईयर सर्वनाम का चयन करते हैं। ओके, तो जैसे मैं बोलता अभी एक सेंटेंस, सिंगुलर ही सब्जेक्ट, ईयर पद्धि तिंदातोर, यानी इसका मतलब हो जाता है यह सुअर खाता है। ओके, पद्धि का मतलब हो जाता है सगाजनो सुअर, पद्धि क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ईयर का मतलब क्या होता है यह, तो सगाजनो यह कैसे बना है डमरू भाषा के आवाज से, जैसे कि इरंग इरंग इस प्रकार से, तो ये क्या हो रहा है सगाजनो यर। तो जिस प्रकार यहाँ पे र जुड़ा है कर्ता में, तो उसी प्रकार आपको क्रियापद में भी र प्रत्यय जोड़ना है। ओके, तो क्या हो रहा है एयर पद्धि तिंदातोर, यानी तिंदा प्लस मंतोर। ओके, मंतोर का मतलब हो जाता है सगाजनो है। ओके, यानी वह खाता है, यानी तिंदा प्लस तो मंतोर। ओके, खाता है। ओके, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं ही ईट्स स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अभी इसी में महिला के लिए, महिला या स्त्री के लिए या तो कोई भी लड़की के लिए, जैसे कि अधु या अध डोंगुर पद्धि तिंदाता तिंदाता। ओके, जैसे कि अभी देखिए, अभी यहाँ पे अध अध डोंगुर पद्धि तिंदाता, यानी वह जंगली सुअर खाती है, वह जंगली सुअर खाती है। तो जैसे कि अभी डोंगुर पद्धि का मतलब क्या होता है सगाजनो जंगली सुअर, अद या अधु इसका मतलब हो जाता है वह, यानी दूर में खड़ी है एक लड़की, ठीक है, लड़की या तो महिला, उसके लिए हम अद या अधु का चयन करते हैं। और यहाँ पे तीन प्लस मंदाता। ओके, यानी थर्ड पर्सन के लिए हम मंदाता शब्द का चयन करते, क्रियापद का चयन करते हैं, तो उसमें से हम मन जो धातु है उसको, यानी मूल धातु है उसको निकाल देते हैं, फिर उसके बाद में दाता प्रत्यय जोड़ते हैं, यानी तीन दाता। ओके, तो इसे इंग्लिश में शी ईट्स अ वाइल्ड पिग। ओके, तो इस प्रकार से सगाजनो सेंटेंस आने को होना। तो सगाजनो कोई भी सेंटेंस बोलने का रहा तो आपको, यानी बहुत बहुत, यानी डेली प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप लोग सीख जाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। कैसे अभी पढ़ लोगे फिर बाद में भूल जाओगे, ऐसा नहीं होने को होना, डेली प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों को गुंडी भाषा आएंगी। ओके, तो अभी एक पास, यानी जो हमारे पास में एक लड़की है, ठीक है, तो उसके लिए हम ईद या ईदु शब्द का चयन करते हैं, यानी जैसे कि ईद या ईदु रोटी सॉरी एटी तिंदाता। ओके, तो यानी यह क्या बोलते हैं इसको, बकरी खाती है। ओके, एटी का मतलब हो जाता है बकरी, तिंदाता का मतलब होती है खाती है। अभी इरंग, इरंग स्वर से क्या बना सगा जो हमारा इरंग, इरंग जो इरंग नाम से बना हमारा ईदु या ईद सर्वनाम बना है। ओके, तो यह हम हमेशा लड़की के लिए यूज करते हैं। इंग्लिश में शी ईट्स अ गॉट। ओके, एटी का मतलब हो जाता है गॉट, यानी बकरी, तिंदाता का मतलब अभी मैंने समझा आपको। ओके, तो सगाजनो इसमें अभी एक देखिए, अभी इंग्लिश लैंग्वेज में न्यूटर के लिए एक शब्द चेंज करते हैं, जैसे कि ईट। ओके, तो उसी प्रकार हमारे पास भी गुंडे भाषा में एक शब्द है हिदु हादु या हाद। ओके, तो हिदु हादु या हाद सवी तिंदातोर, तो सभी का मतलब हो जाता है मास, तिंदातोर का मतलब होता है खाता है। तो जैसे कि थर्ड पर्सन में हमारे को तिंदातोर। ओके, तो ये हमारे को एक क्रियापद का चयन करना है, जैसे कि इट इट्स मीट, यानी वह मांस खाता है। हिद हदु हाद इसका मतलब हो जाता है वह। ओके, यह हम न्यूटर के लिए चयन करते हैं। इसे में सगाजनो जैसे कि एक से ज़्यादा, यानी जैसे कि प्राणी है, ओके, प्राणी है जीव जंतु है, उसके लिए भी हम यही शब्द का चयन करते हैं। तो जैसे कि हम बोलते हैं, अगर हमारे को अनेक क्वेश्चन में बोलना है तो हम बोलेंगे होर्क। ओके, जैसे कि इसे पढ़ लेते हम होर्क पमालू तिंदातोर, यानी होर्क पमालू तिंदातोर, यानी वे आलू खाते हैं। ओके, इंग्लिश में दे ईट पोटैटोस। ओके, इस प्रकार से अभी सगाजनो होर्क। ओके, यहाँ पे हमने होर, इसमें आप हिदु यादु या हाद में आप इसको और भी एक नाम से चेंज कर सकते हैं होर। ओके, होर, तो सगाजनो होर, तो यहाँ पे देखिए अभी होर, ये अनेक क्वेश्चन में क्या हो जाता है होर। ओके, तो उसी प्रकार सगाजनो आपको इधर भी आपको ओर्क प्रत्यय लगाना है, जैसे कि सर्वनाम में ओर्क प्रत्यय जुड़ता है, उसी प्रकार आपको क्रियापद में ओर्क प्रत्यय जोड़ना है इस प्रकार से।
तो सगा जनों थर्ड पर्सन में हम जैसे कि एक पुरुष के लिए सेंटेंस पढ़ते हैं, अभी रावण साड़ी तिंदा तो ओके, रावण क्या हमारा सगा जनों एक कर्ता है ओके, यानी सर्वनाम है, साड़ी हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में तिंदा तो यानी रावण यानी रोटी खाता है यानी भाकर खाता है ओके, और रोटी रहा तो हम उसे सूर्य बोलते हैं, तो रावण साड़ी तिंदा तो इस प्रकार से। अगर हम कोई जैसे कि कोई पक्षी है ओके, तो उसके लिए हम भी एक सेंटेंस का चेंज करते हैं, जैसे कि पिट्टी तड़ास तिंदा तोर इस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे कि पंछी सांप खाता है इस प्रकार से। और सगा जनों अनेक क्वेश्चन में बोलने का रहा हमें, जैसे कि अभी देखिए अभी यहाँ पे और क्या तो एक मर्क तिंदा तोर ओके, तो इसका मतलब हो जाता सगा जनों, और का मतलब हो जाता वे ओके, एयर का मतलब हो जाता ये, तो सगा जनों वो शोर से हमारा यानी वो शब्द से जैसे कि ओरांग 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 से क्या बना हमारा तो ओर्क ओर्क इस प्रकार से, और एरांग एरांग से क्या बना हमारा एर्क इस प्रकार से हमारा एक कर्ता बना है। तो उसी के प्रकार आपको यहाँ पर जो ओर्क प्रत्यय लगता है, ओर्क जो सर्वनाम है, उसे आपको क्रियापद में भी वही शब्द जोड़ना है, जैसे कि तिंदा प्लस मंतोर्क ओके, तो मन त प्लस उसके बाद में ओर्क प्रत्यय जोड़ते हैं यानी मन तिंदा तोर्क ओके। तो सगा जनों हम हमेशा मन यानी मन धातु निकाल देते हैं, फिर उसके बाद में तोर्क प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे कि इंग्लिश में दे ईट अ मैंगो इस प्रकार से। तो अभी इसमें देखिए महिलाओं के लिए यू या तो औ भेदरांग तिंदा तोंग, तो इसे हम यू या ओ को दूसरे प्रकार बोल सकते हैं, वुर या तो वो इस प्रकार से। भेदरांग का मतलब हो जाता है सगा जनों टमाटर्स ओके, टमाटर यानी टोमेटो। तिंदातांग का मतलब हो जाता है खाती है यानी दे ये टोमेटोज। तो जैसे कि तिंदातांग ओके, तो सगा जनों तिंदा प्लस मनतांग मनतांग या तो मंदातांग। सगा जनों ये फर्स्ट टाइम है आप लोगों को मैं गुंडी ग्रामर सिखा रहा हूँ, ऐसा गुंडी ग्रामर आपको कोई भी सिखा नहीं सकता है, क्योंकि सगा जनों ये गुंडी ग्रामर यानी हमारा एक प्राचीन गुंडी ग्रामर है, जो कि हमारे पांडिपारी कुपारलिंगो बाबा ने इसकी रचना की है। तो जैसे कि सब्जेक्ट के अनुसार क्रियापदों का चयन किस प्रकार से करना है, इसके ऊपर भी उन्होंने ज़बरदस्त बताया है। तो सगा जनों हम उन्हीं के सिद्धांतों पे चल रहे हैं, उन्हीं के गुणगान आज भी हम गा रहे हैं। तो सगा जनों आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग अपना जो पुराना ग्रामर है उसी के अकॉर्डिंग चलने की कृपा करिए। तो सगा जनों आप लोगों से निवेदन है कि डेली प्रैक्टिस करिए अपने दैनंदिन जीवन में, यानी जो भी कार्य करते हैं उसे लिखने की कोशिश करिए, बार बार पढ़ने की कोशिश करिए, और छोटे छोटे अपने मन से सेंटेंस बनाकर उसे शेयर करिए, बोलने का जितना बोलोगे आप उतना जल्दी से सीख पाओगे। जो भी जैसे कि कोई लिटरेचर रहे कोई भी साहित्य रहे उसे लिखने की कोशिश करिए गुंडी भाषा में। मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही गुंडी वोकैबुलरी सीरीज लेकर आऊँगा। तो सगा जनों आप लोग तब तक के लिए थोड़ा सा धीरज रखिए, पूरा का पूरा आप लोगों को मैं गुंडी ग्रामर गुंडी भाषा गुंडी हिस्ट्री पूरा का पूरा सिखा दूंगा। तो सगा जनों आप लोगों से कर्तव्य है कि अपने दैनंदिन भाषा में अपनी गुंडी भाषा जो है इसे आप दैनंदिन जीवन में प्रयोग करिए। सगा जनों कब तक के आप लोग ये जैसे कि हिंदी मराठी इंग्लिश भाषा बोलते रहोगे, जब अपनी स्वयं की भाषा रहने के बाद भी हम दूसरों की भाषा बोलते हैं, ये अपने लिए अच्छा नहीं है सगा जनों। तो आप लोगों से कर्तव्य आप लोगों से निवेदन है कि अपनी जो मातृभाषा उसी में आप लोगों से संवाद करिए, क्योंकि एक अपनी एक स्वयं की एक पहचान बनती है। आप लोग बता दीजिए कि हम इस गोंडवानालैंड के गोंड हैं ओके, तो हमारी भी एक संस्कृति है, जैसे कि गोंडी संस्कृति है, गोंडी भाषा है, गोंडी धर्म है, गोंडी लिपि है, सब कुछ है। इतना कुछ रहने के बाद भी सगा जनों हम पीछे हट रहे हैं, क्यों हट रहे हैं ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि हम जैसे कि हमारे हमसे दूसरे लोग जुड़े हम उनसे जुड़े हैं ओके, तो हम उनकी भाषा जनों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। सगा जनों गुंडी भाषा से रिलेटेड पूरा साहित्य साधन आपको इसी चैनल पर गोंडवाना गुंडी लैंग्वेज चैनल पर ही मिलते जाएंगा ओके। तो वीडियो को पूरा देखिए सगा जनों, वीडियो पसंद आए तो